हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं वेलकम लाइफ चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे कि ट्रक गाड़ी की जब लाइटें ख़राब हो जाती है तो उनको ठीक कैसे किया जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो कोई बात नहीं, उनके लिए थैंक्स। अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और घंटी को ज़रूर दबाएं, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। और वीडियो को एंड तक देखते रहिए और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, ये जो हमारा है ये बॉक्स, इसको आज मैं ओपन करके बताऊँगा कि इसके अंदर क्या क्या होता है और कैसे हम अपनी जो लाइट है उनको सही कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही काम आता है। जब हम रात में कहीं में चलते हैं तो हमारे सामने बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है कि हम लाइटों को कैसे सही करें, और हमारे जो आसपास कोई मिस्त्री नहीं होता है तब भी हमें बहुत दिक्कत आती है। तो मैं यहाँ से एक निकालता हूँ, अपने एक पेचकस मैंने यहाँ से निकाला है, क्योंकि इसमें जो है एक यहाँ पर दिया हुआ है, एक हमें एक पेज दिया हुआ है, उस पेज को मैं करता हूँ यहाँ से ओपन। इसको खोलते हैं, चलो। तो मैंने इस पेज को जो है इस तरीके से खोल दिया है। जैसे ही आप इस पेज को खोलोगे, आपके सामने जो ये बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आप इस बॉक्स को खोल सकते हो। सभी में जो है एक पेज दिया हुआ होता है, तो उसको आप खोल के इस तरीके से आपको ये ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। तो इसको थोड़ा सा यहाँ से रोकते हैं। अब ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाएगा, तो इसके लिए हमें जो है पेचकस को लगा दिया है हमने, तो ये यहाँ पे रुक गया। अब इसके साइड में आपको मैं दिखा देता हूँ, दोनों साइड में जो है हमारे खूंटे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं ऊपर की तरफ इसको थोड़ा साफ कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए इसको खोले, क्योंकि मुझे कोई ज़रूरत तो पड़ती नहीं है, लेकिन आज मैं आपको कुछ बताने के लिए इसको। तो इस पे जो है सभी प्रोग्राम लिखे हुए हैं, डायग्नोस्टिक टेस्टर, जैसे जैसे भी यहाँ पे जो कॉइलें होती हैं वो लगाई हुई होती है, किस तरीके से लगाई हुई होती है सभी चीज़ें आपको देख, लाइट, फैन, एड सप्लाई, बैटरी, तो जिस जिस फेस में जो भी चीज़ें होती है वो यहाँ पर दिखाई होती है। फ्लैशर 24 वोल्ट और वाइपर कंट्रोलर 24 वोल्ट, ये दोनों चीज़ जो है 24-24 वोल्ट में होती हैं, तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। डिस्टेसिक और पार्किंग रैली नंबर 24 वोल्ट 10 ए होती है, और हजार वन रैली नो ये भी जो है हमारी 24 वोल्ट में होती है। सभी चीज़ें जो है यहाँ पे 24 वोल्ट में आपको मिलेंगी, कोई भी 12 वोल्ट में नहीं मिलेगी। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से ओपन करता हूँ, ये दोनों खूंटे जो हमें खोलने होंगे इस तरीके से। जब हम खोल देंगे इसको, ये दोनों मैं एक यहाँ से खोल दिया है एक पेज, और इस तरीके से एक मैंने यहाँ से दूसरा भी जो है खोल चुका हूँ। थोड़ा सा टाइट है तो थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें। ये मैंने जो है दोनों पेज यहाँ से खोल दिए हैं। इस तरीके से आप जो है इनको खोल सकते हैं, और खोल के अंदर का जो बॉक्स है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके मैं जो है अपनी लाइटों को जो है सही करता हूँ। तो आपको देखिए कुछ इस तरीके से आपको सभी चीज़ें दिखेंगी, और ये जो है यहाँ पे जो भी कॉइलें दिख रही हैं लाल पीली, ये सभी होती हैं इसमें, और ये क्या है कि 10-10 नंबर इन पे सभी पे लिखा हुआ है। तो इनसे ही जो है हमारी पता कैसे करेंगे कि अब ये ख़राब हो चुके हैं और कि कैसे इसे चेंज करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दो कॉइल है, यहाँ पे छह कॉइल, इस तरीके से ये कॉइल लगी हुई है, लेकिन जो कॉइल जो है ख़राब हो जाती है वो क्या है कि हो जाती है काली, और काली आपको दूर से ही दिख जाएगी। तो आप इसको जब बॉक्स को ओपन करोगे तो आपको काली एक कॉइल मिलेगी। आपको कोई भी कॉइल बदलनी है तो इसके अंदर देखिए, जो ये मैंने बॉक्स ओपन किया था इसके अंदर ऐसी कॉइलें आपको मिलेंगी, फालतू हमेशा लगी हुई मिलती हैं, एक गोटी मिलती है तो इनमें लगे हुए होते हैं, उसको जो है वहाँ से हटाकर और इस कॉइल को आप लगा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखिए, आपकी जो है लाइटें, आगे की हेडलाइट है, ये सभी इन्हीं से जो है निर्भर करती हैं। फ्यूज हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन इनसे आप जो है अपनी लाइटों को सही कर सकते हैं। काली जो भी पड़ती है उसको बदल के इसमें से दूसरी आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी जो है लाइटों को बढ़िया कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप इसको दोबारा से कस सकते हैं। तो कैसे कसते हैं वो तो जैसे आपने खोला है उसी तरीके से कस सकते हैं।
तो आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से थोड़ी सी नॉलेज तो आपको मिली है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाद में घंटे को जरूर दबाएं और पाएं वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो चलो दोस्तों, आज के लिए जय हिंद और धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।